कृषि कानून के विरोध में बक्सर में कांग्रेस ने बड़ी संख्या में ट्रैक्टर रैली निकाली। कांग्रेस जिलाध्यक्ष समेत अन्य लोगों ने कहा कि महंगाई अब टायन नहीं हीरोइन बन गई है। जिलाध्यक्ष ने कहा, हम दो हमारे दो, डीजल की कीमत 80 तो पेट्रोल की कीमत 100, इसी के विरोध में आज किसान न्याय यात्रा निकाला गया है। सरकार द्वारा लगाए गए किसान बिल के खिलाफ दिल्ली सहित अन्य जगहों पर हो रहे किसान आंदोलन की झांकी अब बक्सर में भी देखने को मिला। वहीं आज बक्सर में भारी संख्या में कांग्रेस ने ट्रैक्टर रैली निकालकर पहली बार किसान आंदोलन की झलक दिखाई दिया। आज बक्सर जिला कांग्रेस ने ऐतिहासिक किला मैदान से विशाल ट्रैक्टर निकालकर शहर के विभिन्न मार्गों से होकर कोलदा पोखरा में गांधी प्रतिमा के समक्ष समापन किया गया। सैकड़ों की संख्या में ट्रैक्टर के साथ बक्सर जिला के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं सड़कों पर उतर आए और ट्रैक्टर लेकर वर्तमान सरकार के विरुद्ध नारे लगाने लगे। बताते चले कि दिल्ली बॉर्डर से लाल किला तक जब ट्रैक्टर रैली निकाला गया था, उस समय पूरे देश में हंगामा मच गया था। उस समय से लेकर अभी तक उस मामले में जांच और लगातार गिरफ्तारी हो रही है। ऐसे में बक्सर जिला कांग्रेस ने सैकड़ों की संख्या में रैली निकालकर वर्तमान सरकार को सचेत करते हुए कांग्रेस जिलाध्यक्ष ने कहा कि जिस प्रकार देश में किसानों पर जुल्म हो रहा है, उसको लेकर अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। महंगाई डायन नहीं, महंगाई हीरोइन बन गई है। हम दो हमारे दो, डीजल की कीमत 80 तो पेट्रोल की कीमत 100 के विरोध में आज किसान न्याय यात्रा निकाला गया है। सरकार की दमनकारी नीति के खिलाफ ट्रैक्टर रैली निकालकर न्याय यात्रा का आयोजन किया गया है। वही महिला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि महंगाई डायन नहीं हीरोइन हो गई है। बहरहाल बक्सर के ऐतिहासिक किला मैदान से निकाली गई ट्रैक्टर रैली में जिले के अन्य जगहों से किसान पहुंचे थे। भारी संख्या में निकाली गई ट्रैक्टर रैली शहर के पीपी रोड यमुना चौक होते हुए ज्योति चौक पहुंचकर स्टेशन रोड कवलदा पोखर स्थित गांधी मूर्ति पर जाकर ट्रैक्टर रैली समाप्त हुई। कांग्रेस की इस रैली में जुटी ट्रैक्टर की संख्या ने विरोधियों के कान खड़े कर दिए हैं। ऐसे में सवाल यह है कि क्या अब बिहार में भी किसान आंदोलन प्रभाव जमाने की स्थिति में है। राज रंजन की रिपोर्ट, सिटी न्यूज बक्सर से। पक्ष में आप लोग ट्रैक्टर रैली निकाल रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, हम लोग एक संदेश देना चाहते हैं, ये कोई ट्रैक्टर और पदयात्रा की बात नहीं है, ये किसान न्याय यात्रा है। इस यात्रा के माध्यम से केंद्र की सरकार को हम लोग ये बता देना चाहते हैं कि देश का एक एक जिला, देश के एक एक गांव में किसानों के पक्ष में जो इस देश में किसानों का एक मूवमेंट चल रहा है, उनके हम लोग साथ हैं। और इन तीनों कानून काले कानून के विरुद्ध में ये एक मार्च निकाला जा रहा है, ये एक सॉलिडैरिटी मार्च है। सरकार लगातार पेट्रोल डीजल की दाम बढ़ा रही है, देखिए ये देश का दुर्भाग्य है। और मैं दो शब्दों में इस सरकार को डिफाइन कर देना चाहता हूँ कि आज की जो निजाम है वो है हम दो हमारे दो, डीजल 80 और पेट्रोल 100, ये वास्तविकता आज की सरकार। फिर भी आज ट्रैक्टर जुलूस निकाल करके क्या साबित करना चाहते हैं? देखिए, हम लोग ये संदेश देना चाहते हैं, जो किसानों के साथ जो अन्याय हो रहा है, हम उस पर चुप नहीं बैठने वाले। कांग्रेस पार्टी का एक इतिहास रहा है, चाहे वो बरदलोई का आंदोलन हो, चाहे वो तीन कटिया आंदोलन हो, किसानों के साथ और किसानों के हित की बात हमेशा कांग्रेस ने की है। और हमारा एक दायित्व बनता है राजनीतिक दल होने के नाते कि इस जागरूकता को फैलाएं। और आपके माध्यम से मैं बक्सर जन से, बक्सर में तमाम किसान भाइयों से यह आग्रह करूंगा कि इस मूवमेंट में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। आंदोलन की जरूरत पड़ी है इसलिए कि सरकार किसानों की बात को नहीं सुनने को तैयार है, तो किसान तो आंदोलन कर ही रहे हैं। अब हम यह कहेंगे कि किसान के साथ न्याय यात्रा की जरूरत आन पड़ी है। इस तरह से किसानों की और देश भर के किसानों की बात को, आंदोलन को सुनना तो दूर की बात है, सरकार उसे दमनकारी नीति अपना ली, तरह तरह से दमन करके किसानों को प्रताड़ित किया जाने लगा। तो जहां प्रताड़ना शुरू हो गई है सरकार की तरफ से, वहां अब न्याय यात्रा की जरूरत है। अब यह किसान की न्याय यात्रा है। पेट्रोल डीजल के साथ घरेलू गैस की भी सब कुछ, देखिए महंगाई की स्थिति तो ऐसी हो गई है ना कि अब कहने में भी शर्म आने लगी है। यही सरकार कहती थी कि महंगाई बहुत और महंगाई डायन बन
की थी, आजकल तो महंगाई हीरोइन बन गई, डाइन नहीं बनी है, लीडर बन गई महंगाई। 30% आपको भी पता है, 30% हर चीज पे महंगाई बढ़ गई, कहीं सांस तक नहीं लिया जा रहा है। हम लोग तो कभी कभी अपने संतोष के लिए अपने प्रधानमंत्री जी का वीडियो सुनना शुरू कर दिया है। स्मृति ईरानी जी भी कभी कहती थी कि पेट्रोल महंगी है। स्मृति ईरानी जी को कौन, हम तो कह रहे हैं कि हम अपने प्रधानमंत्री जी की वीडियो सुनना शुरू कर दिए हैं, रुपए पे, नोट पे, डॉलर पे गिरना, कि क्या वही प्रधानमंत्री है जो आज है सत्ता में है? तो हम सब ये सुन रहे हैं कि कहीं हम लोग गलत तो नहीं है, वो भी तो सही थे ना, तभी तो उनकी बात मानी गई थी ना, देश भर की जनता ने उनको बड़े विश्वास के साथ बैठाया था ना, इतनी जल्दी कैसे भूल गए? आपका नाम? साधना पांडे, महिला कांग्रेस की अध्यक्ष हूँ और यहाँ पे अधिवक्ता भी हूँ। दाम बढ़ रहे हैं, हमारे किसानों का किसी भी चीज का दाम नहीं बढ़ रहा है। मेरा जो धान है, गेहूँ है, चावल है, दूध है, तमाम जो मेरे घर से पैदा होते हैं, सरसों है, इसका दाम नहीं बढ़ रहा है। और अन्य सामानों का जो दाम है 200 से 400 गुना बढ़ गया, और हमारा जो है मात्र 10% बढ़ाकर 4% बढ़ाकर आप कहते हैं कि मैं किसानों को आज दूना करना चाहता हूँ। ये जो सरकार है, मोदी जो सरकार है, पूरे तरह से किसानों का या आम जनता को लूटने का काम कर रही है, और लूट कर आज यहाँ 400 रुपये, आज तमाम सारा सब्सिडी इन्होंने खत्म कर दिया, गैस की सब्सिडी खत्म करके गृहिणियों का काम बिगाड़ दिया। उसी तरह से जिस तरह से खून जो लकड़ी में लग जाता है, लकड़ी को पता नहीं चलता, उसी तरह भारतीय जनता को ये खून की तरह मोदी सरकार खा जाएगी, और एक दिन हम ऐसे टूटेंगे कि कोई मुझे धरने वाला नहीं है। ट्रैक्टरों की संख्या कितनी है यहाँ? ट्रैक्टरों की संख्या हमारी सैकड़ों में, अभी किसान है और सैकड़ों में भी आ रहे हैं। हमारे यहाँ पूरे गांव से लेकर क्षेत्र से किसान आ रहे हैं, और किसान अपने अपने ट्रैक्टरों को लेकर आ रहे हैं। और इतना ही नहीं, ये किसान इतना कटिबद्ध हैं कि जरूरत पड़ेगी तो हम सदन में टिकैत के साथ जाने के लिए भी हम ट्रैक्टर से जाएंगे। और महंगाई के विषय में आज घरेलू गैस काफ़ी महंगे हो गए हैं, और एक तरफ किसान आंदोलन कर रहे हैं, अनाज की जो है कीमत नहीं मिल रही। सब चीज़ तो महंगा हो ही गया है, सब पेट्रोल महंगा हो गया है, हर चीज़ पे महंगा। घर के खर्चे कैसे चलते हैं आजकल? घर के खर्चे कटौती, कमाई उतनी है, महंगाई दुगनी है। दुगनी हो गई है कमाई में, कोई कमाई तो कम ही हो गई है, महंगाई दुगनी हो गई है, तो कटौती करके। और लोग का पैसा है, क्या नाम है आपका? बक्सर की तमाम खबरों के लिए आप देख रहे हैं CNB News। आपको रखे आगे।